हेलो बच्चों, वेलकम टू जैक फ्रूट। बच्चों, हम इस वीडियो के अंदर जो लास्ट टू क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? विच यूजेज मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स? तो उसने क्या बोला है कि एक टीवी सेट है, उसको आप रन कर रहे हो कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए आप टीवी पे कुछ देख रहे थे, और उसकी जो पावर कंजप्शन है दैट इज 250 वॉट, और वो पूछना चाहते हैं कि इसकी एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी। और हमें पता है बच्चों कि पावर इज इक्वल टू हीट पर यूनिट टाइम, और हीट ही क्या है, वो एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है, वही एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। तो आप एनर्जी को लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पावर के यूनिट्स जो होंगे दैट इज वॉट, टाइम के यूनिट्स ऐसा यूनिट्स होते हैं सेकंड, तब जाकर के एनर्जी किसके अंदर आती है, जूल के अंदर आती है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एनर्जी आप जब कैलकुलेट करोगे टीवी सेट के अंदर, तो यहां पे टाइम का वैल्यू आप सेकंड्स के अंदर डालोगे, दिस इज टीवी सेट, एंड दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी 250, टाइम इज वॉट 1 आवर, यानी कि 1 × 60 मिनट्स × 60 सेकेंड्स। तो दिस एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 9 × 10⁵ जूल। आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब आपने क्या किया है, टीवी सेट की जगह पे आपने टोस्टर यूज किया है। लेट्स सपोज दिस इज अ टोस्टर, और टोस्टर का जो पावर दे रखा है दैट इज 1200 वॉट, और इसको आपने रन किया है 10 मिनट्स के लिए। तो यहां पे जो एनर्जी आएगी, एनर्जी टोस्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू पावर 1200 इनटू टाइम, पर यहां पे बच्चों जो टाइम है वो मिनट्स के अंदर है, तो 10 × 60 एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 7.2 × 10⁵ जूल। तो यहां पे जो एनर्जी कंज्यूम्ड by TV set is greater than energy consumed by toaster. Simple question, easy question. Next question read करते हैं। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. Simple सी चीज, आपने क्या किया है, एक resistance ली है जिसकी रेजिस्टेंस 8 ओम है, इसके अंदर से करंट जा रहा है 15 एम्पेयर, इसके अंदर से करंट जा रहा है 15 एम्पेयर, और आपने इसको कनेक्ट किया है किसी भी सप्लाई के अक्रॉस, कितने टाइम के लिए, 2 आवर्स के लिए। पर वो आपसे जानना चाहते हैं द रेट एट विच हीट इज डिसिपेटेड और डेवलप्ड। रेट मतलब पावर, द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड मतलब होता है बच्चों पावर, द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड मतलब पावर। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चों P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई का वैल्यू कितना दे रखा है यहां पे 15, उसका स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां पे जो पावर डिसिपेटेड आएगी दैट इज इक्वल टू 1800 वॉट, 1800 वॉट। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।